हेलो मेरे यूट्यूब के फैमिली मेंबर्स, कैसे हो आप फ्रेंड्स? काफ़ी टाइम हो गया था मैं वीडियो नहीं बना रहा था, तो फ्रेंड्स ये वीडियो एक्चुअली आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा बचाएगा, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो में मैं गिव अवे करूँगा आदिवासी हेयर ऑयल, और पहला चीज़ और दूसरा चीज़ कि घर में आदिवासी हेयर ऑयल कैसे बनाते हैं वो मैं एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको आदिवासी हेयर ऑयल ख़रीदना नहीं पड़ेगा, आप खुद चाहो तो घर में भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसका जो इंग्रेडिएंट्स है, मैंने आदिवासी लोगों को कॉल करके पूछा था कि आप कैसे कैसे बनाते हो, तो उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप करके बताया, ऐसे 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 बनाया, वीडियो कॉल करके दिखाया कि बेसिकली हम लोग ऐसे ऐसे तेल बनाते हैं। तो वो सेम स्टेप मैंने प्रोसेस मतलब उन लोगों को फॉलो करके और एक एक चीज़ उन लोगों को मतलब फॉलो करके और जो है मैं सीख गया बनाना। और इसमें मैंने एक दो चीज़ अपने खुद से भी ऐड किया है, जैसे जो बाबा रामदेव बोलते हैं वो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो, तो वो फ्रेंड्स काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और यार बड़ा मुश्किल से वो मिला है। मैंने काफ़ी पैसे अमेज़ॉन से मैंने मंगाया है, और अमेज़ॉन से भी मंगाने के बाद करीबन 15-20 दिन हो गए थे, नहीं आया था, आया तो काफ़ी टूटा फूटा मिला, तो फिर मैं रिप्लेस किया, तो फिर 5-10 दिन उसमें लग गए। तो एक वही इम्पॉर्टेंट था जो मुझे नहीं मिल रहा था, बाकी जितने भी इन्ग्रीडियंट्स थे उसके ऑलमोस्ट सारे मिल गए थे। तो यही है फ्रेंड्स, तो मैंने बता ही दिया कि सारा चीज़। अब चलिए आपको मैं इंग्रेडिएंट्स दिखाता हूँ, और माफ़ करना फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, लेकिन हाँ अगर आप मेरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लिए तो आपको आदिवासी हेयर ऑयल ख़रीदना नहीं पड़ेगा, आप खुद से चाहो तो खुद से बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। फ्रेंड्स, तेल बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी वो है ये आंवला। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने आंवला को कट कर लिया है। कट क्यों किया है ये आपको बताऊंगा अभी कुछ देर में, पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले आंवला चाहिए, उसके बाद ये जो लाल अरहुल का फूल होता है, इसे हिबिस्कस भी बोलते हैं और गुड़हल का फूल बोलते हैं, हर एक अलग अलग शहर में अलग अलग नाम बोलते हैं इसे, तो वो आप ले लेना। उसके बाद ये है लेमन ग्रास। फ्रेंड्स, बालों के लिए लेमन ग्रास ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने लेमन ग्रास रखा है, और ये जो है तेल में एक अच्छा सा फ्लेवर डालता है, इसका जो सुगंध है वो नेचुरली काफ़ी अच्छा हो जाता है। उसके बाद ये जो है फ्रेंड्स भृंगराज है, ओरिजिनल भृंगराज, या किसी भी एरिया में जंगल वाले एरिया में मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो है इसे ये बोलते हैं, इसे ये कलौंजी बोलते हैं, इसे ब्लैक कलर का होता है, ये किसी भी मतलब कि किराने दुकान पे ये मिल जाएगा। और फ्रेंड्स ये तो आप जानते ही हो, ये मेथी है, ये भी इसमें ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद इसमें फ्रेंड्स आप ये जो देख रहे हो ये रीठा है और शिकाकाई है। रीठा और शिकाकाई बालों के लिए कितना जरूरी चीज़ होता है वो आप बिल्कुल जानते ही हो। इसके बाद जो है फ्रेंड्स ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ये करी पत्ता है, करी पत्ता आप ले लेना अपने, मतलब अभी मैं मतलब मात्रा भी बताऊंगा किस टाइप से कैसे कैसे करना है। उसके बाद ये गुड़हल के पत्ते भी हैं जो साइड में देख रहे हो, और ये जो फ्रेंड्स आप देख रहे हो ये मेहंदी का फूल है, मेहंदी का फूल है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये ड्राई भृंगराज रखा हुआ है, क्योंकि बहुत पहले जब मैंने बनाया था तो लिया था, लेकिन मैं आपसे फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना भी चीज़ है वो कच्चा रूप में लें, मतलब कच्चे चीज़ में लें, क्योंकि कच्चे चीज़ का जो क्वालिटी होता है उसमें से जो रस निकलता है वो ज़्यादा गुणकारी होता है एज़ कम्पेयर टू सूखे में। तो मैं भृंगराज का पत्ता ले ही लिया हूँ। ये ब्राह्मी है, ये ब्राह्मी देख सकते हो, ये बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ये मैंने ख़रीदा है, ये है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मैं दिखाता हूँ कि आप ऐसे एक बार देख लो, आपको एक आइडिया लग जाएगा, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में सारा नंबर सारा चीज़ डाल दूंगा, सारा चीज़ का नाम दे दूंगा। उसके फ्रेंड्स अब आते हैं मेन चीज़ पे। तो फ्रेंड्स ये जो है 100% वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ये मैंने सामने मिल से मतलब जहाँ पे बन तेल निकलता है वहाँ से मैंने निकलवाया है, ताकि इसकी जो शुद्धता है वो बनी हुई रहे। एक ये है, और ये दोस्त इसे जो है ये एलमोंड ऑयल है, मतलब बादाम का तेल, आप जानते हो बादाम का तेल बालों के लिए कितना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स यही है, और जो एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो मुझे बहुत ही मुश्किल से मिला है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है फ्रेंड्स ये, फ्रेंड्स ये मधुमक्खी का छत्ता है, वो जो पीले कलर का येलो कलर का जो मधुमक्खी होता है, ततहिया भी बोलते हैं कहीं, उसका ही ये है। और इसे भी मैं लास्ट में डालूंगा, तो यही है, यही इतने सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो चाहिए। मैं फिर से दिखा देता हूँ,
अब जो है आमले पे आते हैं। अब आमले को हम लोग क्या करेंगे, मिक्सी में डाल के इसका जो है वाटर निकाल देंगे। वाटर जब आप निकालोगे तो इस टाइप से होगा। वाटर कैसे बनाएंगे इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोग क्या करो, ये जो आंवला है रो आंवले को मिक्सी में डाल के, अभी मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ। ये देखो फ्रेंड्स, ये जो जितना भी रो जो कच्चा आंवला था मैंने इसे मिक्सी में डाल दिया है, और मिक्सी में इसको मैं पूरा पीस लूँगा। और पीसने के बाद इसमें ये मलमल का जो कपड़ा है, ये किसी भी पनीर वाले के यहाँ मिल जाएगा, या कोई भी सूती कपड़ा रख लेना, इसमें डाल के मैं छान लूँगा। ये देखो फ्रेंड्स, ये मैंने इसे पीस लिया है मिक्सी में। अब इसे मैं मलमल के कपड़े में ऐसे करके, और इसे पूरा मैं, देख रहे हो ये पानी छोड़ रहा है, इसे मैं पूरा सा स्क्यूज करके दबा के इसका सारा जो रस है वो मैं निकाल लूँगा। ये देखो फ्रेंड्स, अब हमारा जो ये आंवला जूस था वो तैयार है। अब मैं इसका क्वांटिटी बता देता हूँ। अगर आप आधा लीटर तेल अगर आप बनाना चाहते हो तो उसमें आधा लीटर ये आंवले का रस भी डालें, ताकि इसकी जो गुणवत्ता है वो काफ़ी अच्छी होगी। और आंवला को जो है बालों का राजा कहा जाता है, कि आप अगर आंवला खाते हो या आंवले का कोई भी चीज़ आप अपने बालों में डालते हो तो आपका बाल काफ़ी मजबूत होगा, तो आंवला इसका मेन चीज़ है। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये देखो, इसके बाद हमें एक लोहा का कढ़ाई चाहिए। ये देखो, ये लोहा का कढ़ाई है, मैं इसी में जब भी बनाता हूँ तेल तो इसमें ही बनाता हूँ। तो अब मैं इसे, और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि आप हमेशा लो फ्लेम पे ही इसे बनाएं। मैंने जान के, अभी तो थोड़ा सा ज़्यादा है कि गर्म हो जाए, लेकिन इसमें सबसे पहले जो है मैं तेल जो डालूंगा इस पे, ये मैं इस पे नारियल का तेल डालूंगा। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने इसमें तेल डाल दिया है। अब ये तेल जो है हल्का हल्का पक रहा है। मैंने जो इसका फ्लेम है आग का वो एकदम कम रखा है। देखो, ये हल्का हल्का पकना शुरू हो गया। अब जो है जैसे ही ये हल्का हल्का गर्म हो, तो आप क्या करो, ये जो आंवला का जो पानी आपने बनाया है ये इसमें सीधे डाल दो। देखो, ये आंवला का पानी इसमें चला गया। अब जो है इसको थोड़ा देर जो है आप ये करने दो, उबलने दो। और ये लकड़ी का लेके, या कोई भी आप ले सकते हो, बस एल्यूमिनियम ना हो, ये ध्यान रखना, ये लेके आप इसको इसमें मिलाते रहो। ये दोनों मिक्स हो जाएगा ना, तो दोनों का जो, जब ये दोनों मिक्स होगा और ये धीरे धीरे तेल पकेगा, तो फ्रेंड्स ये बालों के लिए इतना ज़बरदस्त टॉनिक हो जाएगा, मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये देखो, मैं इसको कम हीट पे, हीट कम करके अब इसको मैं उबलने देता हूँ। देखो, मैंने हीट कम रखा है, इतना ही आप लोग भी रखना। अब इसको मैं उबलने देता हूँ, और जब ये थोड़ा उबल जाएगा तो उसके बाद जितनी भी जड़ी बूटी ये सब जो है, ये मैं एक एक करके डालना शुरू करूँगा। जब तक तेल पकता है वहाँ पे, देखो तेल पक रहा है। मीन वाइल आप क्या करें, मिक्सी में जितने भी वो इंग्रेडिएंट्स थे, जैसे फूल हो, जैसे हर, मतलब हर श्रृंगार का फूल था, करी पत्ता था, मेहंदी था, और जितने भी था सबको आप मिक्सी में पीस लें, ताकि वहाँ अच्छे से वो आपस में मिक्स हो जाए। देखो फ्रेंड्स, ये तेल उबल रहा है, इसमें मैंने रीठा और शीकाकाई डाल दिया है। ये तेल पक रहा है और धीरे धीरे इसका कलर जो है अब चेंज होगा, देखना, समझे। और मैंने जो मिक्सी में पूरा मिक्सी करके पीसा था, ये देखो ये इस टाइप से पूरा हो गया है। अब ताकि ये उबल रहा है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। ये देखो मैंने डाल दिया, और भी डाल देता हूँ, ताकि धीरे धीरे इसमें जो है पकना शुरू हो जाएगा ये, और इसका कलर ये पकड़ेगा। ये देखो फ्रेंड्स, ये इसमें मैंने डाल दिया, ये थोड़ा सा काफ़ी हेवी काफ़ी थिक हो गया है। अब देखो फ्रेंड्स, इतने सारे जड़ी बूटी डाले हैं, आपने सब देखा ही है, मैंने सबका नाम बता दिया है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एकदम हल्का आँच पे पकने देता हूँ। ये तेल जिसके भी किस्मत में होगा, वो काफ़ी, उसके बाल काफ़ी मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है मैं गिव अवे करने वाला हूँ। ये तेल आपको मैं डायरेक्ट कूरियर करूँगा, मैं अपने चैनल पे, जो जीतेगा उसका भी मैं वीडियो डालूँगा, कैसे कैसे क्या करना है। ये देखो, इसको मैं करता हूँ कुछ देर और पकने देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, अब ये उबलना शुरू हो गया, काफ़ी गाढ़ा हो गया है, और मैंने इसमें कलौंजी और मेथी जो था वो दोनों भी मिक्स करके, मिक्स मेथी में पीस के करके डाल दिया। और ये जो था ये छाता भी इसमें मैंने डाल दिया, मधुमक्खी का छाता जो था। अब ये काफ़ी मोटा हो गया है, देख सकते हो आप, और ये पूरा मिक्स हो रहा है। तो
फ्रेंड जो भी इसको लगाएगा ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, उसके बाल इतने मजबूत हो जाएंगे ना फ्रेंड्स, ये 100% नेचुरल है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जितना भी चीज़ है मैंने नेचुरली ही वो लिया है, देख रहे हो। इसको जब मैंने सूती कपड़े पे ये करूँगा और सूती कपड़े से जब मैं इसको छानूंगा, तब इसका रंग देखना हल्का सा ग्रीन हो जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा चाय पत्ती भी डालूंगा एकदम लास्ट में, चाय पत्ती और कपूर। कपूर इसलिए डालूंगा क्योंकि उससे कपूर से हमारे बाल जो है काफ़ी अच्छे हो जाते हैं और जितने भी डैंड्रफ हैं वो भाग जाते हैं। देखो इसे मैं पकने देता हूँ नेक्स्ट 15-20 मिनट के लिए और फिर इसको छानूंगा और फिर बताऊंगा। बात करो स्मेल की फ्रेंड, तो इसका स्मेल इतना अच्छा आ रहा है ना, कभी भी फ्रेंड याद रखना, कोई भी किसी भी जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें जो जो स्मेल होता है वो उसमें मिलाया हुआ रहता है केमिकल, जिसके वजह से वो स्मेल करता है और वो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग जितना भी चीज़ें नेचुरल चीज़ लगाओ, और नेचुरल चीज़ से ये है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिनोक्सीडिल वगैरह लगाते हैं, लेकिन उस मिनोक्सीडिल का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। फ्रेंड्स करीबन 10-15 मिनट और हो गए हैं, उससे ज़्यादा ही हो गया होगा। अब ये तेल जो है ऑलमोस्ट पूरा हल्का सा ग्रीन और ब्लैक हो चुका है। वैसे तो अभी आप लोग को ब्लैक दिख रहा होगा, लेकिन जब इसको मैं निकालूंगा तो ये मतलब ब्लैक ग्रीन टाइप से दिखेगा। अभी भी मैं अगर मैं इसको ऐसे करूं तो आपको हल्का हल्का ग्रीन भी दिख रहा होगा। फ्रेंड्स ये देखो, मैं आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा कुछ किया है मैंने कि आपके पैसे भी बचे हैं, ये करें मतलब आपके पैसे भी बच जाए, मैंने आपके लिए तेल भी बनाया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बहुत मेहनत लगा है इसके सारे सामान जोड़ने में और वीडियो बनाने में, पूरा दिन लग गया और 15-20 दिन की तैयारी थी वो अलग। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना थोड़ा सा प्यार दिखाना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। तो यही है, 10 मिनट और के बाद जो है मैं इसको अब छान लूँगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड, अब ये तेल कम्प्लीटली बन चुका है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अब झाग आ रहा है, तो इट मीन्स ये पूरा जो है तेल बन चुका है। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, और क्योंकि जितना भी अंदर सामान था ना वो पूरा इसमें मिक्स हो गया और पूरा जल चुका है, इसीलिए वो करकर का जो है ना वो आवाज़ आ रहा है, देख रहे हो। थोड़ा सा और पास करके देखा, पूरा सब चीज़ जल चुका है, सब चीज़ इसमें मिक्स हो चुका है अच्छे से। यही है फ्रेंड्स, तो मैं अब इसको छानूंगा ये मलमल के कपड़े में और फिर आपको दिखाऊंगा कितना कितना बनता है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो फ्रेंड, ये पूरा तेल बन के अब रेडी है, मैं अभी इसे मलमल के कपड़े में इसको मैं छान रहा हूँ। और जो है ये देखो, ये कुछ इस टाइप से, हो गया है। अब मैं निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ कितना तेल बना है। ये देखो फ्रेंड, ये तेल छानने के बाद इस टाइप से पूरा हो गया है। और ये देखो मैंने, ये कितना ब्लैक लग रहा है, देखो कपड़ा भी कितना ब्लैक हो गया क्योंकि मैंने इसमें कलौंजी डाला हुआ था। सोचो जब ये वाइट इतना काला हो गया, आप जब अपने बालों में इसको लगाओगे तो वो भी इतना काला हो जाएगा, आप देख लो। पता नहीं लोग कितना डाई खरीदते हैं बालों को ब्लैक करने के लिए, नेचुरल तरीका है, पहले उससे कोशिश करें ना, डाई तो बाद में लगा के काला हो ही जाएगा। तो ये देखो दोस्त कितना ये काला हो गया, इनफैक्ट मैं हाथ में भी कुछ देर पहले मेरे हाथ में लगा था, हाथ भी काला हो रहा था। नहीं है फ्रेंड्स, तेल बन गया है पूरा देखो, और तेल को मैं इस 3 कंटेनर में रखूंगा, एक खुद रखूंगा, बाकी 2 जो है गिव अवे करूंगा। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि घर में आदिवासी हेयर ऑयल कैसे बनाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ज़रूर ट्राई करना और बताना कि आपको ये यूज़ करने के बाद आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा या नहीं। आपकी जो भी क्वेरीज़ होगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।